हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा। आपके अपने चैनल फूड फॉर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं साबूदाने की खिचड़ी। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारे तीज त्यौहार भी साल भर हमारे चलते ही रहते हैं। तो जनरली क्या होता है, तीज त्यौहार चलते हैं तो उपवास भी हमारे चलते ही रहते हैं। उपवास चलते हैं तो मीठा खा खा के हम परेशान हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ नमकीन सा ऐसे स्नैक जैसा मिल जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबूदाने की खिचड़ी। जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, उपवास में कुकिंग करने का मन नहीं होता है। ऐसा लगता है 2 से 5 मिनट के अंदर कुछ बन जाए तो फटाफट बना लेने का मन होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आऊँ साबूदाने की खिचड़ी। चलिए फ्रेंड्स, देख चलिए लेते हैं स्टार्ट कैसे करते करते हैं हैं चलिए। साबूदाने की खिचड़ी बनाना। सबसे पहली टिप मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने ये साबूदाना लिया हुआ है, मार्केट में कई टाइप के साबूदाना आते हैं, मैंने ये जो लिया हुआ है ये मीडियम साइज का साबूदाना है। आप लोग देख सकते हो, आपको जब भी आप साबूदाने की खिचड़ी बनाएं तो जो नॉर्मल सा मीडियम साइज का जो साबूदाना आता है ना, वाले साबूदाने का ही यूज करें। तभी हमारी ये जो खिचड़ी है ना साबूदाने की, खिली खिली सी, ये जो मोती जैसे दिख रहे हैं ना आपको साबूदाने, बन के रेडी होगी। आप देख सकते हो, इसके लिए मैंने 1 कप साबूदाना लिया हुआ था। और एक जरूरी टिप मैं आज शेयर करती हूँ कि आपको कभी भी साबूदाना में पानी की जो क्वांटिटी है ना, ज्यादा नहीं रखनी होती। 1 कप मैंने साबूदाना लिया था, 1 कप ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया हुआ है। मैंने इसको रात में सो करने के लिए रख दिया था। या तो आप इसको रात में सो करने के लिए रख दें, या तो आप 5 से 7 आवर्स के लिए दिन में रख, जब आप बनाना चाहो तब इसको 5 से 7 घंटे के लिए सो होने के लिए रख दें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा कितना अच्छा साबूदाना खिला खिला सा मोती जैसा हुआ है। इसमें जो पानी की क्वांटिटी है ना, 1 इंची पानी को अपने को एक्स्ट्रा रखना है साबूदाने में, पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं साबूदाने की खिचड़ी तो बनाना। देख सकते हो कि मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया। चलिए गैस ऑन कर देते हैं, तेल को गरम होने देते हैं। फ्रेंड्स, अब अपने को ध्यान रखना है कि हमें तेल ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि अपने उपवास के लिए बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा तेल मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए जो तेल की क्वांटिटी है ज़्यादा नहीं रखनी है। आप देख सकते हो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया। इसके अंदर थोड़ी सी डाल देती हूँ मैं सौंफ 1 चम्मच जैसा। आप देख सकते हो कि मैंने इसमें काली मिर्ची का पाउडर लिया हुआ है, वो इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़े से हमारे कड़ी पत्ता है उनको भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, उनको अच्छे से भुनने देते हैं। सारी चीज़ों को चलिए अच्छे से भून लेते हैं। आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें हमारी अच्छे से भून गई हैं। तो इसमें हरी मिर्ची, इनको बारीक कट किया हुआ था, इनको भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हो कि हमारी हरी मिर्ची भी अच्छे से भून गई है। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना, लो टू मीडियम के बीच में रखना है। अब इसमें ऐड कर देते हैं 2 पोटैटो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये मैंने 2 पोटैटो लिए हुए थे, उनको बॉईल कर लिया था और उनको ये सब्जी बनाते हैं ना उसी शेप में मैंने कट कर लिया था। आपको भी सेम ऐसे ही कर लेना है, उसको ऐड कर देते हैं 2 पोटैटो। चलिए इनको भी अच्छे से घुमा घुमा के फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने 1/2 कप मूंगफली के दाने, पीनट को, ये जो हमारे सींग के दाने होते हैं ना, ये मैंने लिए हुए थे, इनको है ना मैंने रोस्ट कर लिया था। फिर इनको अदरक की जो कुटनी होती है ना उससे मैंने इनको हल्का हल्का सा कूट दिया। इनको फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, मिक्सर में आप ना करें इनको, जो हमारी खिचड़ी का जो खिला खिला सा स्वाद है ना वो नहीं आएगा। तो इनको इस तरीके से आप देख सकते हो टुकड़ों में से डिवाइड कर लें, इनको भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। जब सारी चीज़ों को अच्छे से हिला हिला के चारों तरफ घुमा घुमा के चला लेते हैं। अब उपवास करें फ्रेंड्स, तो ये खिचड़ी बनाकर जरूर खाएं, आपको खाने में बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी लगती है और फटाफट से बनने वाली है। क्योंकि उपवास होता है ना तो ज़्यादा भूख लगती है और ऐसा लगता है क्या बनाऊँ, बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए इस टाइम पे आप खिचड़ी बना के खा सकते हो। जो हमारा खिला खिला सा साबूदाना था ना, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और 1/2 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप स्वाद अनुसार अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो इसी टाइम पे। अगर आप उपवास के लिए नहीं बना रहे हैं तो इसमें हल्दी मिर्ची पाउडर जो भी आप डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। मैं उपवास के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। इतनी यमी लगती है ना खिचड़ी, मेरे फैमिली में तो बिना उपवास के भी सब लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। आप भी बना के ट्राई करना, आपके फैमिली में भी ये बहुत पसंद आने वाली है। एक तो इसकी अच्छी बात ये है कि फटाफट से 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। देखिए हमारी खिली खिली सी साबूदाने की खिचड़ी बन के रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी जल्दी, यकीन ही नहीं हो रहा ना कि हमने इतनी फटाफट से इसको बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें फ्रेश हरी धनिया। देख सकते हो हमारी कितनी खिली खिली सी अच्छी सी साबूदाने की खिचड़ी बन के रेडी हुई है। देख सकते हो हमारी कितनी, वाह कितनी अच्छी खिली खिली सी साबूदाने की खिचड़ी बन के रेडी हुई है। देखिए आप लोग
आप भी मेरे मेथड से बनाओगे तो सेम टू सेम आपके भी ऐसी खिली खिली सी साबूदाने की खिचड़ी बनके रेडी होगी। यकीन ही नहीं हो रहा ना आपको कि हम इतनी अच्छी हमारी दानेदार एकदम से मोती जैसी खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी बनके रेडी हुई है। आप भी एक बार बना के ट्राई करें, फ्री अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। आप भी अपने घर पे ऐसे खिली खिली सी खिचड़ी बना के ट्राई कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप मेरी तरह मीठा खा खा के परेशान हो गए हो पास में, तो एक खिचड़ी जरूर बना के ट्राई करें अपने घर पे। यदि आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि क्या होगा जो भी मैं नई वीडियो बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में जाएगी। आई होप, आशा करती हूँ कि फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।